देख रहे हैं नेक्स्ट राइट न्यूज, मैं हूं आपके साथ मेघा। सीधे रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में बीते दिनों संजय राउत और राणा दंपत्ति की कुछ तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। सबसे पहले तो संजय राउत के बारे में आपको बताते हैं। संजय राउत शिवसेना की तरफ से नवनीत राणा को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। संजय राउत ने एक के बाद एक नवनीत राणा पर वार किए हैं, नवनीत राणा पर सवाल उठाए हैं। ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी को लेकर कई बयानबाजी की और ये भी कहा कि ये गिरफ्तारी जारी रहनी चाहिए। ये वही संजय राउत हैं जो राज ठाकरे को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की नकल करने की बात भी कह रहे हैं। तो फिलहाल संजय राउत और नवनीत राणा को लेकर बीते दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हुई। दरअसल राणा दंपत्ति और संजय राउत जो हैं वो लद्दाख पहुंचे थे। अब लद्दाख से एक साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और रवि राणा के साथ कोने में जाकर संजय राउत बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें लेह से वायरल हुई, सवाल ये उठने लगा कि कहीं नवनीत राणा को शिवसेना के साथ जोड़ने की एक पिच तो संजय राउत तैयार नहीं कर रहे हैं। ये सवाल उठने लगा कि कहीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को शिवसेना से जोड़कर ही संजय राउत बाजी तो नहीं मार लेंगे। तो जितने भी सवाल इन सब के बीच उठे, जितने भी दावे किए गए, उन दावों पर आखिरकार संजय राउत का बड़ा बयान सामने आ गया है। देखिए, जब नवनीत राणा जेल की सलाखों के पीछे थी तो जनता ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया है। जनता ने नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विरोध किया, शिवसेना पर सवाल उठाए। अब अगर उसी नवनीत राणा के शिवसेना के साथ जुड़ जाने पर खबरें बनेंगी तो जनता गुस्साएगी और जनता गुस्साई भी। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था कि नवनीत राणा ऐसे क्यों कर रही हैं, क्यों शिवसेना की तरफ जाने के लिए प्लानिंग कर रही हैं, संजय राउत के जाल में क्यों फंस रही हैं। और अब आखिरकार संजय राउत ने सामने आकर पूरी स्थिति साफ कर दी है। संजय राउत ने बता दिया है कि नवनीत राणा के शिवसेना के साथ जुड़ने के पीछे के दावों के पीछे कितनी सच्चाई है। क्या कहते हैं संजय राउत, सुनिए जरा। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। नवनीत राणा को लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिन्हें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में भी देख रहे होंगे। इन तस्वीरों में नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा संजय राउत के साथ नजर आ रहे हैं। संजय राउत और नवनीत राणा की इस मुलाकात ने सियासत के गलियारों में कई तरह की अफवाहों को जन्म दिया। संजय राउत जिस तरह से नवनीत के पति रवि राणा से बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर खबर ये वायरल हो गई कि नवनीत को शिवसेना के साथ साधने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं। अब इन सबके बीच में जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई, राज ठाकरे ने शिवसेना सांसद पर तंज कसा, संजय राउत पर बयानबाजी की, जिसके बाद संजय राउत ने राज ठाकरे को जवाब दिया है। संजय राउत कहते हैं, शिवसेना पर कौन सा हमला बोला है राज ठाकरे ने, केंद्र सरकार को पूछिए कि हम राणा दंपत्ति क्यों साथ थे। केंद्र सरकार की कमेटी का प्राइवेट टूर नहीं था, सेंट्रल कमेटी की एक बैठक के लिए हम गए थे। इतना भी ये लोग नहीं समझते तो राजनीति में नहीं रहना चाहिए। संजय राउत ने कहा, पुरानी MIM को और नई MIM को कौन बढ़ावा दे रहा है ये सबको मालूम है। ये हिंदुत्ववादी ओवैसी और वो असली ओवैसी और ये दोनों एक जैसे हैं। राउत ने पूछा, राज ठाकरे का हिंदुत्व से क्या संबंध है, ये कब से हिंदुत्ववादी हो गए, सिर्फ भगवा शॉल ओढ़ने से कोई हिंदुत्ववादी नहीं हो जाता। उन्हें किसने कहा कि शिवसेना कुछ कर रही है या नहीं कर रही। औरंगजेब की कब्र केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के अंदर है, तोड़ दीजिए, आपको किसने रोका है, ये हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, आइए तोड़ दीजिए कब्र को। अगर कोई औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा करना चाहता है तो कर ले, हम इसमें मदद करेंगे। औरंगजेब की कब्र क्या आज से है क्या, हमारी सरकार तो महज 2 सालों से उससे पहले से ये कब्र बनी है। सोच समझ कर बात करो, दिमाग को ठिकाने लगा कर बात करो। संजय राउत ने सीधे सीधे नवनीत राणा और शिवसेना के साथ जुड़ जाने पर जितने भी दावे किए जा रहे हैं, जितनी भी बयानबाजियां की जा रही हैं, उसे लेकर बड़ा पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि जाकर केंद्र की सरकार से पूछो कि मैं और नवनीत राणा एक साथ क्यों थे,
हम केंद्र सरकार के काम को लेकर एक साथ थे, वहां पर आपसी राजनीति नहीं कर रहे थे। और जो लोग इतना भी नहीं सोचते उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर भी संजय राउत ने बात की और कह दिया, अयोध्या दौरे को लेकर क्या साजिश है हम ये जानना चाहते हैं। जब आपकी तारीख फाइनल हो गई, पूरी तैयारी हो गई, फिर दौरा क्यों निरस्त हुआ? क्या ये किसी विरोध के चलते हुआ? इस विरोध को ठुकरा देना चाहिए। आप नेता हैं तो नेता जैसा काम भी करो। खैर, संजय राउत के इस बयान से साफ पता चल गया कि नवनीत और रवि राणा के साथ उनकी मुलाकात भले ही क्यों ना हुई हो, लेकिन फिलहाल इन मुलाकातों में किसी भी तरह के राजनीतिक विकल्प नवनीत राणा ना तो तलाश रही हैं और ना ही संजय राउत तलाश रहे हैं।